फिर से स्वागत है मेरे चैनल रोबस बाजार पे आपका। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील ने क्लोजिंग दी है 106.60 रुपये के आसपास। इस स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट जो बन रहा है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 105.80 रुपये के आसपास आपको लेके चलना है। स्टॉक में अगर 105.80 रुपये टूटता तो स्टॉक 103.40 रुपये के आसपास आ सकता है, जो एक अच्छी बाइंग लेवल है 103.40 रुपये। और अगर आपको करंट स्तरों से ख़रीदना है तो जब तक ब्रेकआउट यहां से नहीं होता है 107.80 रुपये के आसपास से, तब तक आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी। अगर आपको शॉर्ट टर्म का उसमें कोई टारगेट बनाना है तो इसमें आप बना सकते हैं आसानी से। इसमें आपको नेक्स्ट टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं 109.34 रुपये के। उसके बाद आपको इसमें हाइएस्ट टारगेट देखने मिल सकते हैं 111.50 रुपये तक के। इस स्टॉक में एक अच्छी बात यह है कि जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है काफ़ी हैवी क्वांटिटीज में इसमें ट्रेडिंग होने चालू हो गई है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी वॉलीटिलिटी बनी रहती है। स्टॉक में अगर देखा जाए तो दो गैप्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टॉक इसको करेक्शन के लिए यहाँ पे फिल करने नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को सबसे अच्छा अगर जो बाइंग लेवल है वो 103.50 रुपये के आसपास का है, क्योंकि उसका एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। और इस लेवल पे अगर आप कोई भी बाइंग बनाते हैं तो यहाँ से एक आपको अच्छी अपसाइड भी मिल सकती है। अगर आप 106 रुपये या 107 रुपये के आसपास भी ख़रीद लेते हैं तो भी कोई मैटर नहीं करता, उसमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन स्टॉक में होगा। अगर लॉन्ग टर्म का इसमें नज़रिया लेके चलें तो उसमें आपको एक अच्छे टारगेट देखने मिल सकते हैं 113 रुपये, और 113 रुपये ब्रेक होने के बाद इसमें आपको एक अच्छी मोमेंटम गेन होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये था टाटा स्टील, तो आपको इस पर नज़र रखनी है। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था,